यूपी विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियां जान झोंक रही हैं। तमाम वादों और दावों की झड़ी लेकर सभी नेता जनता का साथ मांग रहे हैं और इस बीच अब अखिलेश सरकार ने डिजिटल स्ट्रोक खेला है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने की कवायद में समाजवादी पार्टी युवाओं को मोबाइल फोन बांटने की तैयारी में है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता की राह पर अखिलेश यादव ने भी जनता के हाथों में मुफ्त मोबाइल का वादा किया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया है कि सरकार जल्द ही समाजवादी स्मार्टफोन योजना शुरू करेगी। इसके लिए एक महीने के अंदर लोग आवेदन कर सकेंगे, लेकिन डिलीवरी उन्हें 2017 की दूसरी छमाही में मिलेगी। यानी कि साफ है कि समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आई तो वह इस वादे को पूरा करेगी। लेकिन स्मार्टफोन के लिए सरकार ने कुछ नियम भी तय किए हैं, जिसके तहत यह मोबाइल सिर्फ उन्हें मिल सकेगा जो उत्तर प्रदेश का निवासी हो और उसकी उम्र कम से कम 18 साल हो, निवेदनकर्ता की आय 2,00,000 रुपए सालाना से कम हो। वैसे मोबाइल के जरिए सरकार जनता से सीधा संवाद कर सकेगी। बताया जा रहा है कि यह फोन गरीब लोगों को सरकारी योजनाओं और नीतियों के बारे में शिक्षित करेगा। इस मोबाइल में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर उपलब्ध होगा। राज्य सरकार की नीतियों वाली ऐप डाउनलोडेड होगी और ऐप के जरिए जनता अपनी प्रतिक्रिया सरकार को दे सकेगी। तो साफ है कि इस चुनावी घड़ी में मुख्यमंत्री की इस घोषणा को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। यूपी सरकार अपनी इस योजना को घोषणा पत्र में भी जगह देगी। वैसे इससे पहले भी प्रदेश के होनहार छात्र छात्राओं को फ्री लैपटॉप का वादा कर समाजवादी पार्टी 2012 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में काबिज हुई थी और एक बार फिर मोबाइल देने की घोषणा कर वह युवा वोटरों को अपने पक्ष में करने की फिराक में है। अखिलेश मोबाइल के जरिए प्रदेश में डिजिटल मुहिम को नई ऊंचाई भी देने का संदेश देना चाहते हैं। पहले लैपटॉप और अब मोबाइल के सहारे यूपी सरकार ने नया दांव खेला है, लेकिन अगले साल होने वाले चुनाव में जनता सरकार को क्या रंग दिखाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। देखते रहिए डीबी लाइव।